तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जहां पे हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ब्रेकिंग न्यूज की जो कल डायनामाइट का रिव्यू बनाने से पहले, जबकि मुझे पता लग गई थी, मैंने आपको बोला था कि थोड़ा वेट करना चाहिए, मैं चाहता हूं और ज्यादा इन्फॉर्मेशन इसके बारे में मिले ताकि मैं आके आपके साथ ये टॉपिक अच्छे से डिस्कस कर सकूं। मैं नहीं चाहता था कि आपको हेडलाइन दूं और आगे क्वेश्चन मार्क लगा के चले जाऊं कि मुझे नहीं पता अब आगे क्या होने वाला है। तो ऑलमोस्ट 24 घंटे बाद काफ़ी सारी नई इन्फॉर्मेशन, काफ़ी सारी स्पेक्यूलेशन और क्या एग्जैक्टली चल रहा है उसके बारे में हमको पता लगा है। विंस मैकमैन का ये $3 मिलियन का जो उनके अगेंस्ट एलिगेशंस लगाए गए हैं कि एक सेक्सुअल असॉल्ट या फिर हम नॉट असॉल्ट एक स्कैंडल में उनको बेसिकली फंसाया जा रहा है या फिर वो फंस गए हैं $3 मिलियन की एक सेटलमेंट की वजह से, और उसके अराउंड बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम हो गई। और मैं आपको एक बार फिर से यही बोलूंगा कि जब हम ऐसे किसी टॉपिक पे बात करते हैं तो आपको भी पता है कि हम डीप में जाते हैं, सारी चीज़ें अच्छे से डिटेल में कवर करते हैं, और मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को आधी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से मिले और बाकी के लिए आपको कहीं और जाना पड़े। तो आप जानते हैं कि ऐसी वीडियोस के लिए तो बेस्ट जगह है भाई, आपको किसी और चैनल की या फिर किसी और वीडियो की ज़रूरत नहीं है। तो हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, स्टार्ट करेंगे। स्टोरी जो है कल ब्रेक करी थी वॉल स्ट्रीट जर्नल ने, वन ऑफ द बिगेस्ट न्यूज़ पेपर्स हम कह सकते हैं इन यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, जो कि मोस्टली बात करता है मार्केट की, स्टॉक मार्केट के बारे में। और उन्होंने यहाँ पे आके एक बात बताई कि WWE के जो बोर्ड हैं, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे जो भी मेंबर्स हैं, वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं एक केस को जो कि $3 मिलियन की सेटलमेंट को देख रहा है विंस मैकमैन ने, जो कि फॉर्मर एक एम्प्लॉय को पे करी थी जिनके साथ उनका अफेयर था। अब अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रिवील हो गई, भाई विंस का किसी के साथ अफेयर था और उसका मुंह बंद कराने के लिए उसको $3 मिलियन दिए गए। बेसिकली दिस इज द सिचुएशन। और इसके बाद माना जा रहा है कि ये जो अग्रीमेंट थी गाइस वो जनवरी 2022 से जो है वो करी गई थी साइन, यानी कि उस टाइम पे पैसे दिए गए थे। और जो भी वो फॉर्मर एम्प्लॉय है WWE की, वो कुछ नहीं बोल सकती हैं किसी भी वे में विंस मैकमैन को, वो यहाँ पे उनकी रेपुटेशन को चोट नहीं पहुँचा सकती हैं, बिकॉज वो $3 मिलियन उनको देने का वही मतलब है कि वो कुछ नहीं बोल सकती। इट इज़ अ नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, जिसको हम NDA भी कहते हैं। अब यहाँ पे WWE के जो बोर्ड है उसने इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट करा था इस केस को अप्रैल में, जब उसके बारे में उनको इंटरनली पता लगा था। और इसको करते करते उनको पता लगा भाई और भी ऐसे बड़े सारे केस हैं जो विंस मैकमैन से जुड़े गए हैं। और इसने जो है इन्वेस्टिगेशन ने गाइस ना ही सिर्फ विंस मैकमैन की पुरानी जो है वो अग्रीमेंट्स छांट के निकाल ली जो उन्होंने और इम्प्लॉयज़ को पे कराए, बल्कि उन्होंने जॉन लॉरेनाइटिस के लिए भी सेम चीज़ जो है वो हो रखी है, उनको ये पता लगा। तो ना ही सिर्फ विंस मैकमैन अपने इम्प्लॉयज़ को पैसे दे के उनका मुंह बंद करा रहे हैं, आई डोंट नो कब से चलता आ रहा है, लेकिन सेम चीज़ वो जॉन लॉरेनाइटिस को भी जो है वो करने दे रहे हैं। और सबसे कमाल की बात यह है कि ये जो पैसा जा रहा है वो विंस मैकमैन अपनी खुद की जेब में से दे रहे हैं भाई, वो WWE का पैसा नहीं है, कंपनी के नाम पे नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट नहीं बनाया गया। और मोस्ट प्रॉब्ली इस वजह से क्योंकि विंस इस चीज़ को एक सीक्रेट रखना चाहते थे। और इससे भी ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि वो अपने लिए नहीं, जॉन लॉरेनाइटिस के भी जो सारे पैसे हैं जो NDA बना रहे थे, वो सारे पैसे विंस मैकमैन ने पे करे हैं। तो अभी तक ये रिवील नहीं हुआ है कि टोटल ऐसे कितने NDA हैं या फिर कितनी इनकी टोटल वैल्यू है, लेकिन ऑब्वियसली जब एक अग्रीमेंट ही $3 मिलियन का है तो टोटल वैल्यू इसकी बहुत ज़्यादा होने वाली है इन मिलियंस। तो ये सारी चीज़ें अनकवर होने के बाद विंस मैकमैन पे तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा प्रेशर है, लेकिन उनको जिस तरीके से अब देखा जाएगा वो बिल्कुल अलग हो जाएगा। और माना जा रहा है कि इन्वेस्टिगेशन अब सिर्फ इन सेटलमेंट्स के ऊपर ही नहीं होगी, बल्कि WWE का जो ह्यूमन रिसोर्स प्रोग्राम है और जिस तरीके से उनका कल्चर काम करता है कंपनी के अंदर, कैसे वो अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रीट करते हैं, वो सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेट करी जाएंगी। क्योंकि ये जो एलिगेशंस विंस मैकमैन के अगेंस्ट लगी हैं, ये कोई भाई ऐसे ही आके मजाक में नहीं बोल रहा है, इसका प्रूफ है एंड दैट इज़ द $3 मिलियन सेटलमेंट। अब 12 लोग हैं टोटल WWE के बोर्ड पे, जिसमें से ऑब्वियसली सबसे बड़े मेंबर विंस मैकमैन हैं क्योंकि वो सबसे ज़्यादा अपने शेयर्स ओन करते हैं WWE के। लेकिन दो और बंदे जो कि उनसे क्लोजली रिलेटेड हैं, दैट इज स्टेफनी मैकमैन एंड ट्रिपल एच। स्टेफनी मैकमैन रिसेंटली WWE से गाइस गई थी और उनको रीज़न दिया जा रहा था लीव ऑफ एब्सेंस, क्योंकि वो अपनी फैमिली का ध्यान रखना चाहती हैं। आई डोंट नो ये बात अब कितनी सच लग रही है, क्योंकि आई थिंक स्टेफनी मैकमैन को जब ये पता लगा इंटरनली कि ये एलिगेशंस लगने वाले हैं, विंस मैकमैन मुसीबत में आने वाले हैं, और मैं हर बार ये बात बोलता हूँ कि स्टेफनी इज़ द फेस ऑफ द विमेंस डिवीजन, तो अगर किसी फीमेल एम्प्लॉय के अगेंस्ट कुछ हो रहा है और उनको सही से ट्रीट नहीं करा जा रहा है इस कंपनी के अंदर,
और ये न्यूज जब बाहर आती है तब स्टेफनी अपनी पोजीशन पे क्या रिएक्ट दें, उनसे अगर मीडिया कुछ पूछेगी तो वो क्या जवाब देंगी, मे बी उस चीज से बचने के लिए उन्होंने अपनी लीव ऑफ एब्सेंस पहले ले ली और विंस मैकमैन ने उसको पर्सनली अप्रूव भी करा, क्योंकि बोर्ड को और विंस मैकमैन को स्टेफनी को ये सारी बातें गाइस पता थी। ऑब्वियसली ट्रिपल एच भी इस बोर्ड में है, तो जो भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसका स्टेफनी और ट्रिपल एच, निक खान, ये सारे लोग कहीं ना कहीं पार्ट हैं। बात करते हैं तो भाई जिस बंदी के साथ विंस मैकमैन का अफेयर था, जिस इंप्लॉय के साथ अफेयर था, माना जा रहा है कि 2021 अगस्त में, और ये स्टोरी और भी ज़्यादा हैरानी भाई मतलब देती है लोगों को जब मैं पढ़ रहा था इसको कि कितना शॉकिंग है एक्चुअली में, क्योंकि 2021 अगस्त में WWE ने बहुत सारे सुपरस्टार्स को रिलीज करा था, मेजर नेम्स को रिलीज करा था, और रीज़न का दिया था बजट कट्स, यानी कि कंपनी के पास उतने पैसे नहीं है कि वो इन सारे लोगों को अफोर्ड कर सके। लेकिन ये जो इम्प्लॉई विंस मैकमैन की इम्प्लॉई हैं जिनके साथ उनका अफेयर चल रहा था, उनकी उसी टाइम के अराउंड माना जा रहा है कि सैलरी डबल कर दी गई थी, उनको एक डायरेक्टर रोल दे दिया गया था और उनको प्रमोशन मिली एक बहुत बड़ी, जस्ट बिकॉज शी वॉज डेटिंग या उनका अफेयर था विंस मैकमैन के साथ। ये गाइज अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और April 30th को नाया जैक्स ने एक ट्वीट करी थी जो उस टाइम पे लोगों को सिर्फ एक ट्वीट लग रही थी, उसका क्या रीज़न है पीछे का किसी को कुछ पता नहीं था। और ऑब्वियसली अब नाया जैक्स WWE की सुपरस्टार नहीं है, शी वॉज रिलीज्ड, और उन्होंने इस ट्वीट में बोला जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि भाई बहुत सारे सुपरस्टार्स हैं WWE में फीमेल रोस्टर के अंदर जिनको पुश मिलना चाहिए, लेकिन उन स्टार्स को WWE की क्रिएटिव टीम कभी देखेगी नहीं, क्योंकि उनके खुद के जो परवर्टेड वेज हैं, यानी कि हम कह सकते हैं भाई जिस तरीके से वो ट्रीट कर रहे हैं यहाँ पे विमेन को, सबसे इजी तरीका ये है बोलने का, उसकी वजह से वो अपना फायदा देख रहे हैं, उनको फर्क नहीं पड़ रहा बाकी रोस्टर का, और मे बी इसकी वजह से कभी इक्वालिटी नहीं देखने को मिलेगी हमें इन द WWE बिटवीन मैन एंड विमेन। तो ये काइंड ऑफ मतलब था नाया जैक्स का, एग्जैक्ट वर्ड्स गाइस ट्वीट के पढ़ चुके हैं, उनको भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ पता लगी हो। तो ये सारी स्टोरी आई, रिवील हुई, ऑब्वियसली विंस मैकमैन इस टाइम पे आई डोंट नो क्या सोच रहे होंगे कि भाई कैसे ये सारी चीज़ें रिवील हो गई, मैंने इतना पैसा दिया तब भी आखिर ये बात कैसे पता लग गई, रिवील कैसे हो गई। और माना जा रहा है कि जबकि बैक स्टेज स्मैकडाउन कल होने वाली है, WWE इज ऑपरेटिंग जस्ट लाइक बिजनेस, जैसे कैजुअली वो ऑपरेट करते हैं, विंस मैकमैन, जॉन लॉरेनाइटिस, ये दोनों बैक स्टेज होंगे कल स्मैकडाउन के लिए, शो को रन करेंगे। लेकिन आई डोंट नो गाइस कि माहौल कैसा रहने वाला है, क्योंकि जो भी बंदा विंस मैकमैन को मिलेगा तो वो एक झिझक रहेगी, हम कह सकते हैं हेजिटेशन रहेगी उनके दिमाग में कि भाई हम विंस मैकमैन को मिल रहे हैं, उनसे हाथ मिला रहे हैं, तो हम कैसे रिएक्ट करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही होंगी कई सारे सुपरस्टार्स के दिमाग में, स्पेशली जो फीमेल रोस्टर है। और मैं बात करूंगा भी साशा बैंक्स की, क्योंकि वो अलग से एक बहुत बड़ा टॉपिक है गाइस, जिसको मैं अलग से एक वीडियो में भी डिस्कस करना चाहता हूं। लेकिन यहाँ पे सारा जो फीमेल रोस्टर है वो आई थिंक कहीं ना कहीं हिल चुका है WWE के अंदर, और अगर उनका CEO और टैलेंट रिलेशंस का हेड ये सब काम कर रहा था इतने टाइम से, जो कि किसी को पता भी नहीं है, तो आखिर अगला कौन है लिस्ट में, वो सवाल आता है। तो मे बी गाइज ये चीज़ जो है उनको बहुत ज़्यादा टेंशन दे रही होगी। और इसके बाद एक और ऐसी न्यूज़ आई जो कि भाई बिल्कुल दिल हिला दे भाई सबका, मतलब विंस मैकमैन एंड लिंडा मैकमैन जो कि उनकी वाइफ हैं, जो कि WWE की CEO थी फ्रॉम 1980 टू 2009, इतने सालों तक वो कंपनी के साथ थी, अब वो पॉलिटिक्स के अंदर है। माना जा रहा है कि जबकि लीगली विंस एंड लिंडा आर स्टिल मैरिड, कई साल पहले ये लोग सेपरेट हो चुके हैं और एक साथ रहते भी नहीं हैं। और मैंने जब ये न्यूज़ पढ़ी मैं तो शॉक्ड था, क्योंकि हमेशा से मैं ये सोच रहा था क्योंकि लिंडा मैकमैन इज नाउ विद पॉलिटिक्स, तो इसलिए वो WWE के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होती हैं, एंड शी स्टिल वाइफ ऑफ विंस मैकमैन, तो भाई वो अपनी प्राइवेट रखते हैं जो भी चीज़ें हैं। लेकिन ये जो न्यूज़ निकल के आ रही है भाई, ये तो अपने आप में बहुत ज़्यादा जो है वो शॉकिंग है। इसके अलावा गाइज अब आप सोच रहे होंगे कि इतना कुछ हो गया भाई WWE का क्या, विंस मैकमैन का क्या, किस डायरेक्शन में ये चीज़ जा सकती है। टू बी ऑनेस्ट अभी हमको नहीं पता कि इसका एंड रिजल्ट क्या रहेगा। डेफिनेटली इसकी इन्वेस्टिगेशन काफ़ी लंबी चलने वाली है, क्योंकि बोर्ड को सारी चीज़ें सही से देखनी पड़ेंगी कि वो क्या एक्शन लेंगे। लेकिन डेफिनेटली गाइज जो जॉन लॉरेनाइटिस की जॉब है, आई थिंक ही हैज़ टू बी फायर्ड एट दिस पॉइंट, और जो काम उन्होंने करा है अब कोई भी टैलेंट उनके साथ डील नहीं करना चाहेगा। लोग कहेंगे कि हमको भाई फायर कर दो, हम जॉन लॉरेनाइटिस से जो है वो अपनी टर्मिनेशन नहीं लेने वाले हैं। सेम चीज़ है गाइज साशा बैंक्स के लिए, और फिर से मैं बोल रहा हूँ एंडिंग में बिल्कुल मैं उनके बारे में बात करूंगा। लेकिन माना जा रहा है कि विंस मैकमैन की इमेज जो रेपुटेशन है उस पर बहुत बड़ी इस समय जो है प्रॉब्लम आ सकती है। जो उनकी नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री बन रही थी मे भी उसको अब कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि उनके अगेंस्ट ऐसे एलिगेशन लग गए हैं कि भाई उनको प्रमोट नहीं करा जा सकता किसी भी टाइप की मीडिया में। माना जा रहा है उनकी बायोग्राफी यानी कि जो बुक लिखी जा रही थी उसमें बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे अगर वो कभी बुक लॉन्च होती भी है, क्योंकि उसके अंदर ऑब्वियसली विंस मैकमैन की सारी स्टोरी लिखनी पड़ेगी। और अगर ये स्कैंडल एक बहुत बड़ा स्कैंडल बनता है आगे जाके, विंस को किसी टाइप का
कुछ पनिशमेंट मिलती है इस चीज के लिए, उनको कोई फाइन या कोई केस लड़ना पड़ता है, कोर्ट में जाना पड़ता है, तो ऑब्वियसली वो उनकी बायोग्राफी का पार्ट बनेगा। और ये चीज़ जैसे जैसे धीरे धीरे बाकी के न्यूज़ चैनल पिक कर रहे हैं जिनका WWE से कुछ रिलेशन नहीं है, जितनी ज़्यादा ये न्यूज़ फैलती जाएगी उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम विंस मैकमैन के लिए होगी, क्योंकि उनकी इमेज जो है उसकी रेपुटेशन ख़राब हो रही है। एंड विंस मैकमैन, हम जानते हैं गाइस कि उनको बहुत सारे लोग एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन समझते हैं, लेकिन कभी भी इतने पॉपुलर बंदे के बारे में ऐसी चीज़ बाहर आती है तो वही वो इमेज जाती भी फिर सीधा नीचे है और उसको रिकवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो ये हो सकता है, माना जा रहा है कि जो लास्ट स्कैंडल के अंदर विंस मैकमैन फंसे थे WWE के रिलेटेड, दैट वाज द स्टेरॉइड स्कैंडल, जहां पे काफ़ी मुश्किल से वो बचे थे, उन्होंने सेटलमेंट्स करी थी कि हाँ भाई ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा, एंड ही वाज अप्रूव्ड और वो आगे WWE के CEO की तरह कंटिन्यू कर पा रहे थे। माना जा रहा है कि उस लेवल का जो प्रॉब्लम है एक बार फिर से विंस मैकमैन के लिए है, और इतने सालों में अगर किसी चीज़ ने उनकी पावर पे जो है वो हाथ डाला है, कोई उनको उनके रोल से हटा सकता है, इट कुड बी दिस स्कैंडल, बिकॉज अपनी इमेज को बचाने के लिए उनको ऐसे ऑपरेट वो नहीं कर सकते हैं, स्पेशली एक पब्लिक कंपनी का वो फेस नहीं बन सकते हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे टॉप पे नहीं रह सकते हैं। लेकिन ये बात मैं ज़रूर बोलूँगा गाइस कि आई डोंट थिंक विंस मैकमैन को WWE के बोर्ड से हटाना कोई इतना ईजी डिसीजन है, बिकॉज ही ओन्स मेजॉरिटी ऑफ द कंपनी। और कंपनी की बात करके इस पॉइंट में मैं जाना चाहता हूँ ज़्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन जब कल ये न्यूज़ आई वॉल स्ट्रीट जर्नल की, उससे जस्ट कुछ टाइम पहले 2.1 मिलियन शेयर्स WWE के स्टॉक के बिक गए थे, जो कि इलीगल हैं। और उसका रीज़न ये है कि जब भी कोई कंपनी इस टाइप की न्यूज़ जिसके बारे में रिवील होने वाली होती है, उससे जस्ट पहले वो अपना स्टॉक ट्रेड नहीं कर सकते हैं, लॉ के अकॉर्डिंग मना है। और WWE ने 2.1 मिलियन शेयर्स अपने बेच दिए, जो कि एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क डालती है। तो वो अपने आप में एक क्वेश्चन है कि किसने वो किया, आखिर कितना पैसा उसके पीछे लगा हुआ था, क्या विंस मैकमैन है या फिर उनके बोलने पे किसी ने वो काम करा, आई डोंट नो। लेकिन गाइज जो फाइनल पॉइंट है, जो आर्टिकल्स के थ्रू आ रहा है, रिपोर्ट्स बताती हैं कि बाकी बड़े बिजनेसमैन से बात करने के बाद उनका यह कहना है कि अगर ऐसे स्कैंडल में कोई फंसता है तो उसका करियर वहाँ पे ख़त्म है। तो क्या बाकी जो ऐसी कंपनीज हैं जो WWE से मच बड़ी हैं, उनके CEO अगर ऐसा कह रहे हैं कि इस केस में विंस मैकमैन का करियर ख़त्म, तो क्या ये ट्रू है, आई डोंट नो। और अगर ऐसा हो जाता है तो क्या WWE का फ्यूचर इससे चेंज होगा, क्या निक खान कंट्रोल में आएंगे, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन गाइज। ये एक ऐसी स्टोरी है जो आज से 2 दिन 10 दिन नहीं, 1 महीने नहीं, काफ़ी महीनों बाद जाके शायद ख़त्म होगी और उसका रिजल्ट हमको पता लगेगा। लेकिन WWE बोर्ड ने जो मैसेज इंटरनली दिया वो यही है कि हम कॉपरेट कर रहे हैं और हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो फिलहाल वो कुछ ज़्यादा रिवील नहीं कर सकते हैं और वो उनको अपना काम करना पड़ेगा। तो साशा बैंक्स के ऊपर फाइनली मैं ये बात बोलना चाहूँगा कि भाई कल रिपोर्ट्स आ रही थी कि उनको रिलीज़ कर दिया गया है, रेसलिंग इंक की तरफ से एक्सक्लूसिव था, लेकिन फिर रिपोर्ट्स आई कि ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है कि उनका रिलीज उनके जो लॉयर हैं वो WWE के साथ इस समय डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन ऑफिशियली गाइस तभी हम मानेंगे कि साशा रिलीज्ड है जब WWE की तरफ से एक स्टेटमेंट हमको देखने को मिलेगी। तो मैं आप लोगों को बोलूँगा, बहुत सारे रूमर्स चल रहे हैं इधर उधर, आई डोंट नो आप लोग किस चीज़ को सच मान रहे हैं किस चीज़ को झूठ, लेकिन जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं इस वीडियो के अंदर सारी रिपोर्ट से आती हैं, फ्रॉम रिंग साइड न्यूज़, रेसलिंग इंक एंड वॉल स्ट्रीट जर्नल। तो आप लोग खुद भी जाके सर्च कर सकते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिली है वो बिल्कुल भी यहाँ पे फेक नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई है, ऑब्वियसली इतनी बड़ी सिचुएशन है तो इस पर हम ट्रैक रखेंगे, जो भी अपडेट्स हैं वो आपको ज़रूर बताऊँगा। तो डेफिनेटली गाइस अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, हेल्पफुल लगी है, ये पूरा टॉपिक समझ आ गया है कि चल क्या रहा है, तो लाइक बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मैं हूँ आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।